देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट कामों को अमलीजामा पहनाने का काम जारी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 3 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया। इन स्कूलों में डिजिटल माध्यम के जरिए स्मार्ट क्लासेस चलेंगी और पढ़ने वालों की स्मार्ट तालीम दी जाएगी। बहरहाल स्मार्ट स्कूल के तहत जीजीआईसी देहरादून को 40 कम्प्यूटर्स वाली लैब की सौगात मिली है। कार्यक्रम को देहरादून के जीजीआईसी बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है। और संवाददाता उपेंद्र राणा ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत लगातार काम किया जा रहा था, स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश लगातार जारी है, इसको लेकर क्या कुछ कदम और उठाए गए हैं? देखिए वनीषा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून को जो है एक बड़ी सौगात दी है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम जो है लगातार देहरादून शहर में चल रहा है, तो ऐसे ही मौके पर जो है अब स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज देहरादून के 3 स्कूलों को जो है स्मार्ट क्लासेज जो है वो मिली है, उनकी उसका लोकार्पण जो है आज खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होगी, जो प्रयोगशाला होंगी वो स्मार्ट होगी, जो क्लासेज जो चल रहेगी वो स्मार्ट होगी, शायद बायोमेट्रिक जो होगा उसमें पूरी तरीके से जो शिक्षकों का और जो छात्रों का वो बायोमेट्रिक तरीके से जो है कि अनुपस्थिति लगेगी, तमाम चीज़ें जो है उस स्मार्ट क्लासेस में लगेगी। हमारे साथ जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं प्रेमलता बोड़ाई जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए कि स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत आज हुई है, किस तरीके से लोकार्पण जिस प्रकार से हुआ है, क्या कह सकते हैं? ये तो सुखद अनुभव है हमारे लिए। इस विद्यालय को एक सौगात मिली है सरकार की तरफ से कि इसको स्मार्ट सिटी से आच्छादित किया गया है इस विद्यालय को, जिसमें कि हमारे 16 क्लासरूम हैं जो स्मार्ट क्लासरूम हैं, जिनमें कि एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है जिसको कि क्लिक करते ही हमारे टीचर्स को एनसीईआरटी का सारा सिलेबस उसमें इनबिल्ट है। इसके अलावा वो इंटरनेट से है, कनेक्टेड है, इसलिए सब कुछ एक्सेस हो सकता है उसे। इसके अलावा भी बायोमेट्रिक है बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसमें कि हम अपने पूरे विद्यालय को एक नज़र में देख सकते हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरे, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो स्मार्ट स्कूलों में जो हैं वो रखी गई है। 3 स्कूलों का आज लोकार्पण किया गया है, जिसमें देहरादून के जिस प्रकार से जीजीआईसी बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड को रखा गया है, खुड़बुड़ा मोहल्ला में भी राजकीय इंटर कॉलेज है, और हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल खुड़बुड़ा जो है इसको जो है स्मार्ट स्कूलों में जो है वो रखा गया है। साथ ही इसमें एक खास बात यह भी रहेगी कि अगर किसी भी स्कूल में अगर शिक्षक अगर नहीं होते हैं तो एक ही शिक्षक जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है इन 3 स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस स्मार्ट स्कूलों में की जाएगी। जी मनीषा, बिल्कुल उपेंद्र, ना सिर्फ स्मार्ट देहरादून स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, बल्कि स्कूलों को भी वो स्मार्ट करने की कवायद जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ अभी 3 स्कूलों का लोकार्पण किया गया, लेकिन आने वाले समय में क्या रणनीति है, कितने बड़े स्तर पर, कितने बड़े पैमाने पर स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना है? बिल्कुल मनीषा, जिस प्रकार से अभी जो है 3 स्कूलों का लोकार्पण किया गया है, आगे ये भी विचार किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है जो पहाड़ी जनपदों के जो स्कूल हैं उनको स्मार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि अब नेटवर्किंग का जाल जो है हर जगह जो है वो फैल चुका है। डिजिटलाइजेशन जिस प्रकार से केंद्र सरकार और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आए हैं कि डिजिटल की दुनिया में जो है वो काम किया जाएगा, डिजिटल जो है किया जाएगा, इसी के तहत जो है वो काम किया जा रहा है। ऐसे में यही एक प्लान बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से देहरादून शहर में जो है स्कूलों को जो अब स्मार्ट बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जो है जो पहाड़ी जनपदों के जो स्कूल हैं, क्योंकि देखा जाता है कि काफ़ी दिक्कतें जो हैं वहाँ पर बच्चों को होती है, कई बार जो है शिक्षक नहीं पहुँच पाते, ये भी दिक्कतें देखी जाती है। अगर इसी तरीके से जो अगर स्मार्ट क्लासेज अगर वहाँ पर चलें तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। हालाँकि ये जरूर है कि कुछ सीमांत जनपदों में नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है सरकार उस ओर कदम बढ़ा रही है और उन जगहों पर जो है स्मार्ट क्लासेज बनाने की योजना कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।